रमजान का मुकद्दस पाक महीना है और ऐसे समय में लोकसभा चुनाव की भी बिगुल बज चुका है, लोकसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, 11 लोकसभा सीटों में फिलहाल की स्थिति में 9 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 कांग्रेस के पास। हर समय कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। क्या वाकई में डरे हुए हैं या केवल तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है? इन तमाम विषयों पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास आज मेहमान हैं, बहुत खास लोग हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं। मैं सीधा इनके पास चलूंगा और इनसे बातचीत करूंगा। शुरुआत मैं इस तरफ से ही करता हूं। रमजान का महीना चल रहा है, मुझे मालूम है उपवास में आप सब लोग होंगे, घर के लिए तमाम चीजें भी करनी पड़ती है। मेरा सवाल पहला तो यही है, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं, वो देश का विकास चाह रहे हैं और सब महिला भी उनसे सशक्त है, सब आगे के आगे। जो महिलाएं पहले नहीं निकल सकती थी वो अब निकल रही है। मैं वार्ड क्रमांक 62 से हूँ, संजय नगर से हूँ, मैं आशिया सलीम बोल रही हूँ। तो उनका काम हमको अच्छा लगता है तो हम उसके बारे में तारीफ क्यों नहीं करेंगे? रमजान एक तरफ है और वो उनका उनके कार्यक्रम के लिए हमको बुलाया गया तो हम आगे क्यों नहीं आएंगे? तो महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, अब उज्ज्वला वाला भी महिलाओं को मिल रहा है, हर चीज की फैसिलिटी जब नरेंद्र मोदी दे रहे हैं महिलाओं को, तो महिलाओं कैसे आगे नहीं आएंगी? अपना काम छोड़ के आगे आएंगे। और हम चाहते हैं कि 11 सीटें हैं, 11 जीते, और कुछ ऐसे भी हैं कि कई जगह की कांग्रेस मजबूत है, वहां से कांग्रेस भी आ सकती है। इतना कहे कि मैं अपना जी। मेरे साथ माता जी हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। माता जी, छत्तीसगढ़ में आप हैं शुरू से ही, अभी पहला सवाल तो आपसे भी यही करूंगा, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं कि राहुल? नरेंद्र मोदी देश में शांति लाए हैं, लोगों की सहायता किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज घर घर खुशी है और जनता को संभाले हुए हैं। आगे चल के और भी उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी और अच्छा करें। क्यों अच्छे लगते हैं मोदी? क्यों? हाँ, कि उन्होंने भेदभाव नहीं और गरीबी हटाने, मेरे दिमाग में, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ मगर मेरे दिमाग में भारी हैं। हाँ, गरीबी हटाने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई है उससे मेरे को बहुत प्रसन्नता, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। आपको कैसे लगते हैं मोदी? अच्छा लगता। क्यों अच्छे लगते? वो सबकी भला चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए अच्छे नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए अच्छे नहीं है, क्यों अच्छे नहीं है भाई? हम तो वोट उन्हीं को देते हैं और अच्छे हैं मोदी जी, सबकी भला चाहते हैं और वो सबका अच्छा ही करें। आप क्या सोचती हैं? बहुत अच्छे मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास लेके कर चलते हैं। अभी महतारी योजना सबको मिला है। तो ऐसा क्यों आरोप लगाते हैं लोग कि मोदी जी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, मोदी जी मुस्लिमों के खिलाफ हैं? आपको लगा क्या कैसा इतने सालों में? मोदी जी सबके लिए एक समान है, मतलब हमारे लिए, मुस्लिम के लिए भी, हिंदू के लिए भी, है ना, सबको लेके चल रहे हैं। मतलब ऐसे काम है जो आपको उनके अच्छे लगते हैं? मेरे को तो अभी जैसे कि जो अभी वोट के टाइम बोले कि महतारी योजना सबको मिला है, सब बहने को, हाँ ये चीज मेरे को अच्छी लगी। राशन मतलब दे ही रहे हमको, लॉकडाउन में भी मिला, अभी भी मिल रहा है। मैं बहुत बढ़िया बात है। आपको भी मैं पूछना चाहूंगा कि आपको मोदी जी के कौन से ऐसे काम है जो अच्छे लगते हैं? मोदी जी के ये काम अच्छे लगे मेरे को, सबसे पहले 3 तलाक का, क्यों मेरा भी 3 तलाक हो चुका है, तो आने वाले वक्त में मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत सेफ हो चुकी हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई मीडिया नहीं कह रहा है, कोई नेता नहीं कह रहा है, ये वो महिला कह रही है जिसने 3 तलाक का दंश झेला है, जिसने 3 बार तलाक सुनने के बाद उसको ऐसा लगा हो कि उसकी जिंदगी खत्म सी हो गई है। लगा था मैडम? बिल्कुल लगा था, कोई सहारा नहीं था, ना मायके से ना ससुराल से, तो मेरे को यहीं से सहारा मिला। और ब्रिजमोहन भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट करे। जब तलाक जो था मैडम, ये तो 2016 में था जो लागू नहीं हो पाया था, मेरा तलाक हुआ उसके जस्ट महीने में फिर 3 तलाक बंद कर दिया गया, तो मुझे कोई भी मतलब मेरे को नहीं मिला, ना मैंने कुछ चाही वहां से, मगर मुझे इतना है कि मैं आज बगैर 1 रुपये निकले, बगैर कुछ लिए, मैं बहुत सपोर्ट में हूँ। मुझे जो भी सपोर्ट करा ब्रिजमोहन भैया ने किए, जब मेरे को जानते भी नहीं थे। होटल कानून में बदलाव की मांग हो रही है, मोदी जी भी कहते हैं कानून में बदलाव होना चाहिए, आपको लगता है कानून में बदलाव, शरिया कानून में बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए, कई चीजों में होना चाहिए, जैसे तलाक हो गया तो कई ऐसी महिला है जो अपने मायके में रह रही है, जो घर निकल के, जैसे पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे में पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, बहुत कम होते, 75% मतलब ऐसे होते, तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि उनको घर बैठे योजना मिले, जो घर बैठे काम किया जाए। और रहा
जो तीन तलाक का है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और जो महतारी योजना दिया गया है उससे भी सब महिला खुश है। आप पूछ सकते हो इन लोग से और डॉक्टर से, जो हम लोग को चीज़ें मालूम नहीं रहती है, अंदर रहते हैं मुस्लिम महिला को जानकारी नहीं रहती है। डॉक्टर सलीम राज जी है और हाजी साहब है, रिजवान पटवा है, ये बिल्कुल महिलाओं को सपोर्ट करते और जानकारी देते हैं। आप बताएंगे मैडम, ट्रिपल तलाक, उनकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने वो दंश झेला है। आप तो बहुत लंबे समय से देख रही हैं सब चीजों को, किस तरह से देखती हैं ट्रिपल तलाक बच्चियों के लिए, क्या ये सही है लगता है? नहीं, सही नहीं है सर। अब ये तो अब हम हमारी तो उम्र हो गई है, मगर अब बच्चियों के लिए अच्छा नहीं है। और अब क्या बोलेंगे, अब उसको देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, समाज कहाँ का, बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ रायपुर नहीं अब तो बार बार पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए अचानक तीन बार आपने तलाक का जीवन खत्म, क्या जीवन और एक संगनी और संगन का जो वो साथ होता है पति पत्नी का, क्या तीन शब्दों पे खत्म हो जाता है? नहीं, इसके लिए आगे वो करना चाहिए, आगे से आगे उसका वो निकालना चाहिए, कुछ भी वो मोदी जी अभी निकाले हैं ना, कानून में बदलाव होना चाहिए जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए सर, इसके आने से ना बहुत हमने ये फायदा, कानून में बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो तलाक की वजह से डर के रहती हैं, कम से कम उन्हें एक सपोर्ट मिल जाएगा कि हम अब सेफ हैं हर चीज में, हमारे को अब कोई चीज से डर। क्या सोचती मैडम, शरीयत कानून में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो मोदी जी ने करे हैं हम लोग तीन तलाक के लिए वो काफी अच्छा है। आप क्या सोचती? मैं भी वही सोचती हूँ, होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बदलाव? आप बेहतर बता सकती हैं क्यों होना चाहिए बदलाव? यही कि मतलब औरत किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, खुद आत्मनिर्भर हो जाएगी। और जो पहले होता था तलाक बोल के आदमी अलग हो जाता था, मतलब हाँ डर रहता था कि मतलब अब हम कैसी रहेंगे, अब वो मतलब नहीं रहेगा क्योंकि तीन बार, हाँ तो अब वो नहीं होगा। शादी कोई खेल थोड़ी है मैडम, तीन बार तलाक की और तलाक हो गया, शादी तो कहते हैं कि ऊपर वाला परवरदिगार तय करता है, जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, क्या केवल तीन शब्द इस जोड़े को खत्म कर दे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। और जब से ये तीन तलाक पर ऑब्जेक्शन उठा है तब से अब तलाक के मामले भी कम आ रहे हैं, और ये खुशी की बात है कि ये सब नहीं होना चाहिए। एक और शब्द है हलाला, आप लोग सब जानते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इस पर भी बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है कि मतलब एक कोई भी हो, चाहे एक महिला हो, चाहे एक पुरुष हो, चाहे एक बच्ची हो, हर किसी का एक स्वाभिमान होता है, एक आत्मसम्मान होता है, हलाला भी को भी परिवर्तन की बात हो रही कि ये भी नहीं होना चाहिए, जायज मानती है? हलाला तो होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो ये, और ज्यादा मैं इस पे तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि नहीं नहीं बोल पाऊंगी जी सर। कानून में बदलाव होना चाहिए जी सर, होना चाहिए ना सर। आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो मोदी की गारंटी शब्द चलता है, कोई गारंटी पूरी हुई आप लोग के लिए? जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने मतलब जो गारंटी बोले थे वो सब चीज मिल रही है महिलाओं को, जैसे वो उज्ज्वला का कनेक्शन दिया गया, घरों घर नल लगाए गए हैं, आवाज दिया जा रहा है, और हर मुस्लिम और हर मतलब हिंदू बहनों को भी पूरा महतारी वंदना का हर एक के खाते में पैसा आया है। और आपके अधिकार बढ़े ऐसा लगता है इन 2014 से लेकर 2024 लगभग 10 साल के समय में सरकार बदली, तो क्या मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों में पहले की तुलना में अभी कोई बढ़ोतरी देख रही हैं? हाँ, बहुत बढ़ोतरी है, बहुत बढ़ोतरी देख रही बढ़ोतरी आप देख जी, आप देख रही माता जी? मैं ये सोच रही हूँ कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं मोदी जी तो कल और भी कुछ कर सकते हैं, मैं उनको बधाई दी था और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। क्या बात है, वाह तालियां, वाह। एक सवाल था जो कई लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम डरे हुए हैं, मुझे तो कहीं कोई डर खौफ नजर नहीं आ रहा है, ये क्यों ऐसा कहते हैं मुस्लिम डरे हुए हैं? पहले कौन कहता है? अब ये बेवकूफ लोग कहते हैं, ये बेवकूफ डरे हुए हैं, जो डरपोक है वही कहेंगे डरे हुए हैं। हमें तो डर नहीं लगता जी। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है मोदी जी में। मोदी जी ने 300 धारा जो 370 की धारा हटाई है वो पूरी भारत से लेकर कश्मीर तक के लोग खुश हैं, सभी महिलाएं खुश हैं। आज देखने में भी शहर अच्छा लग रहा है, पहले ऐसे रूहानी ये नहीं था रायपुर में। आप तो डरी हुई नहीं?
जी नहीं बिल्कुल। कौन डरा हुआ है फिर, किसको बोलते हैं मुस्लिम डरे हुए हैं, मुस्लिम डरे हुए हैं, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं? अफवाह है, कांग्रेस बोलती है मुस्लिम डरे हुए हैं। जबकि ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा तो नहीं भाई, महिलाएं हैं जो कि विपक्ष है, घूम रही है, दिन में घूम रही है, महतारी वंदन योजना का लाभ उठ रहा है, उसके अलावा उज्ज्वला योजना मिल रही, सभी तो मिल रहा है, फिर डरे हुए? बिल्कुल नहीं डरे हुए। क्यों डरे हुए? वही लेडीज को बुलाइए जो बोलती है कि हम लोग तो कोई डरे हुए नहीं है। और आप जिस मुस्लिम लेडी से पूछेंगे वो वही जवाब देगा कि कोई डरे हुए नहीं है और बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, हमको वही सब अधिकार मिल रहा है जो आम लोग को मिल रहा है, उसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात है ही नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका भी डंका बजा, देश विदेश ने, बाहर के देशों ने भारत की ताकत को माना, इसमें भी कई लोगों ने उंगलियां उठा दी, आप कितनी सहमत और असहमत? बिल्कुल गलत बात है, ये हमारा देश है, अगर हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो इसके लिए तो हम तारीफ ही करनी चाहिए, इसमें बुराई वाली कोई बात ही नहीं है, उसका ऑब्जेक्शन कैसे उठा रहे हैं और कौन उठा रहे हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता है। हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सब एक हैं, शरीर है जो भी है सब एक जैसा ही बना। और अभी आ रहा है CA हो गया तो मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी, दूसरे देशों में जाना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि CA किसी ने पढ़ाई नहीं, जिसको चाहे वो बयान दे रहा, जिसका चाहे मन कर रहा है, बहुत साफ है कि इस देश में जो भी मुस्लिम रहता है चाहे कोई भी कास्ट का रहता है उसकी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है, फिर ये क्यों बढ़ा चढ़ा कर विरोध में स्वर पैदा किए जा रहे हैं कि CA आ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा? ये तो समझ ही नहीं आ रहा कौन करे, क्योंकि हमको तो बिल्कुल डर नहीं है, हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर हमारा अधिकार है, हम रहते हैं, जो भी कागज मांगेंगे जो है हमारे पास है पूरा है, हम पूरा प्रूफ दे सकते हैं, जिनके पास नहीं है जो बाहर से आए हैं उनको डर लग रहा होगा। छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं तो क्या बोलते हैं, हम लोग के कहने पूरा प्रूफ है, हम दे सकते हैं जी, हम तो यहीं पैदा है, हमारे बाप दादा, तो हम काहे के लिए डरेंगे। क्यों CA आएगा तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये सब आप हंसी नहीं आती ऐसी शब्द जब सुनते हैं? सुन के बहुत हंसी आती है, हंसी तो आ रही है और लग भी रहा है कि कैसे बोलते हैं लोग। अच्छा मुझे बताइए कि आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी 39 साल में बहुत सारे PM आपने देखे होंगे, आपने मनमोहन सिंह जी को भी देखा होगा, उसके पहले भी और तमाम PM को देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी को भी देखा होगा आपने, सबसे अच्छा PM कौन लगता है आपको? नरेंद्र मोदी। क्यों लग? क्योंकि वो हमारे बारे में सोचे, आज तक किसी ने नहीं सोचा मुस्लिमों के बारे में, वो आए हैं तभी सोचे हैं, और आज हम डंके के चोट में, मतलब अब हस्बैंड डरते हैं, हम नहीं डरते। क्या बात है भाई, तालियां बजा दीजिए, वाह, आप भी यही बोलते हैं कि तो साहब जो आपके हैं वो डर रहे हैं ना? नहीं, महिलाएं ज्यादा एकदम जागरूकता हो गई है, बहुत अच्छा मोदी जी ने जो रूल निकाले हैं उनके इसमें मैं बहुत ये हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कहना चाहिए, हम तो उनके लिए बहुत खुश हैं, जब बुलाएंगे, जब मीटिंग होगी, जब मीडिया बुलाएगी हम उनके लिए हाजिर है। मोदी की गारंटी का कितना फायदा मिला? अब मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की तरफ आ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें 9 भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 कांग्रेस के पास है। जब घोषणा पत्र लॉन्च हुआ था तो महतारी वंदन योजना की बात की गई, 1,000 रुपए हर महीने आपको देने की बात हुई, धान का 3100 रुपए देने की बात हुई, बोनस की बात हुई, तमाम वो योजनाएं हुई, किसानों के लिए बात हुई, आम लोगों के लिए बात हुई, मोदी की गारंटी का कोई फायदा मिला छत्तीसगढ़ में? कुछ मिला? अभी बस वही मिला है सर, जो धान को, हाँ, राशन फ्री में मिल रहा है आज, कितने, हाँ, बिजली का रेट कम हो गया है, और अभी जो 1,000 रुपए वो मिल रहा है आपको? 1,000 मिला, मिल रहा है जी, महतारी वंदन का फायदा बिल्कुल मिल रहा है आपको? मिल रहा है जी जी, महतारी वंदन का फायदा जी सबको। मोदी जी ने जो वादा किए थे 1,000 देने का और इतनी जल्दी पूरा होगा ये हमको यकीन भी नहीं। आपको मिल रहा है? मिल रहा है। पूछूंगा भाई, एक आध भी अगर बोल देगा नहीं मिल रहा तो मैं बिल्कुल सवाल करूंगा, बताइए। को बोले कि आपकी उम्र ज्यादा है तो आप उसमें नहीं जुड़ सकेंगे, और हमारे को निराशित मिलती है तो 300 मिल रही है, मिलती है तो, मगर कोई वो नहीं है, कभी 200 मिलती है, कभी तो 250। उस पे बात करने की जरूरत है जी, उस पे बढ़ाने की जरूरत है जी। आपको मिलता है महतारी वंदन जी? आपको मैडम? मैंने नहीं ली हूँ सर। आपने? मिलता है तो मिल रहा है आपको लाभ? दूसरी जी, आदमी भी नहीं है, कोई नहीं है। दूसरी बात, ये बात लगातार आ रही है कि 400 पार अब की बार मोदी जी 400 पार करेंगे, 400 पार तो तभी होगा ना जब मुस्लिम महिलाएं भी साथ होगी, साथ हैं आप 400 पार के, आपको लग रहा है इतनी सीटें आएंगी? जी हाँ बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है तो सब देंगे उन्हीं को। कई मुस्लिम युवा भले ना दें लेकिन मुस्लिम महिलाएं जरूर देंगी मोदी जी, क्यों ऐसा क्यों? महतारी मतलब औरतों के लिए बहुत सारे काम करे ना, और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करे। मुस्लिम युद्ध भी देंगे, वो युद्ध क्यों नहीं देंगे?
सर पहली बात तो ये है कि अगर अभी लेडीज साथ नहीं देती तो अभी तो अपनी बीजेपी सरकार आई है तो हमारा साथ है तभी तो हुई है ना। बिल्कुल सही बात है, आप भी बताइए। जी हमारा भी वही है। आपका भी ये कहना है? हाँ बिल्कुल। क्या कहना है आपको? मोदी जी को वोट देंगे इस बार। मैं किसको वोट देंगे नहीं पूछ सकता भाई आपसे, वो आपका बिल्कुल आपका विशेषाधिकार है, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको इतने सालों में, और उस परिवर्तन पे क्या आगे मुहर लगा सकते हैं आप लोग ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, दिख रहा है परिवर्तन, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ महिला मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मोदी सरकार ने जो किए। विष्णु देव जी नए नए सीएम बने हैं, 3 महीना करीब उनको सीएम बने हुए हैं, मोदी की गारंटी भी शुरू हो गई पूरा होना, कितने इस भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के शासन से खुश है? सभी से खुश हैं, सभी से खुश हैं। कुछ मिला जी मोदी जी इस वंदना महातारी वंदना वाला? आपको कुछ मिला? नहीं कुछ नहीं सर, 1000 रुपए मिला है, सिलेंडर मिला है, सब चीज बस वही मिला सर। बिल्कुल नहीं मिला है सर मेरा पैसा, कब तक मिलेगा बोल रहे हैं? पता नहीं, देखना पड़ेगा बोले भरी तलाक का तलाक। अरे नहीं तो कैसे मिलेगा मैडम, भरना तो पड़ेगा ना, थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, मेरी गलती उनकी नहीं है। अच्छा और कुछ आप कोई अपनी तरफ से कुछ बात रखना चाहते हैं कि जो आपको ऐसा लगता है कि बात रखनी चाहिए और वो पूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ लगता है? जी मैं वही तलाक को लेके बोलना चाहूंगी, जितना तलाक हो गया, जैसे मैं तो बाहर निकल गई, और भी लेडीज हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो मैके में रहती है, जिसको तकलीफें होती है, तो उनके लिए भी कुछ सोचा जाए कि वो भी मतलब निर्भर रहे अपने में घर बैठे, और भी कोई चीज़ें जैसे बच्चे रहते हैं उनके पढ़ाई लिखाई जैसे हाफ हो जाए, माफ हुआ जाए, जो भी जैसे प्राइवेट में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे तो पढ़ लिए फिलहाल जैसे भी हुआ, तो उन लोग के लिए बोलना चाहती हूँ कि शिक्षा बढ़ाया जाए आगे। आप भी कोई सुझाव देना चाहते? बस वही गरीबों के लिए मकान होना, जो किराए पे पड़े हैं उनके लिए, और आगे हाँ और धोखाधड़ी में जो बैंकों में पैसा जमा करे थे सर तो वो वापस होगा बोले थे, तो किसी का पैसा वापस नहीं करने के जी। आप क्या सोचती, क्या और होना चाहिए? बस यही जो स्कीमें निकली उनसे और बेहतर होना चाहिए। आप कुछ सोचती हूँ? बस होते ही बस। आप कुछ सोचती हूँ और बेहतर होना? नहीं ठीक है बस। आपको कुछ लग रहा है, कुछ सुझाव देना चाहेंगे मोदी जी को कि भाई आप हमारी तरफ से कुछ और बेहतर किया? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतर हो रहा है सब काम सबके लिए, लेडीजों के लिए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप? जी मैं भी खुश हूँ। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा छत्तीसगढ़ के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुआ था, अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर शासन, में उस विषय पर बातचीत करूंगा। आए दिन चाकू चलने की घटना, कभी कोई किसी को गोली मार दे, छेड़छाड़ हो जाए, चैन स्नैचिंग हो जाए, तमाम घटनाएं हो रही थी, कुछ परिवर्तन आया कि ये सरकार भी वैसी की वैसी चल? नहीं बहुत परिवर्तन आया है, रात के 11 बजे से पहले पूरी दुकानें बंद हो जाती है, और जो लड़के बाहर बैठते थे जो नशा किया जाता था अभी भी करते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि जो हमारे है सीएम है बिल्कुल ध्यान दे इस पे कि ये नशा मुक्त हो जाए हमारा क्षेत्र। और क्या सोचती हैं, पहले से कुछ बेहतर हुई स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की, जो लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही थी आरोप लगते? हाँ कम हुआ है ना सर, अभी कम हुआ है, अभी कम कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, जो बच्चे बाहर बैठे रहते थे निडर होके चाकूबाजी करते थे वो सब बंद कर दिया, अभी कम हुआ है, हाँ जी। पहले से सुधार लग रहा है? हाँ हुआ है, सुधार लग रहा है? सुधार तो हुआ है सर, क्योंकि पहले हम लोग बाहर निकलने से डरते थे, अब हम बिंदास थोड़ा घूमना फिरना कर पाते हैं, और अब नशे वाले लड़के भी अब कम दिखते हैं, ये सब क्राइम तो कम हुआ है, लेकिन और जो नशापति जो करते हैं लड़के बच्चे जो भी है तो उन पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए, वो भी अब कम हो जाए, नहीं रहे बस यही। तो देखिए हम संजय नगर में इस वक्त थे रायपुर के, बहस गरम शो हमारे साथ आप देख रहे थे, तमाम मुस्लिम महिलाओं की राय आप देख रहे थे, बहुत साफ है इनका, साफ तौर पर कहना है मोदी तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण की बात करते हैं, केवल हिंदुओं के नहीं मुस्लिमों की भी बात करते हैं, और हमारे अधिकार 2014 के बाद बढ़े हैं, और लगातार हम ये देख रहे हैं कि हमारे अधिकार बढ़ने के साथ साथ जिन चीज़ों को लेकर हमें दिक्कतें होती थी, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, शरीयत कानून, तमाम चीज़ों को लेकर ये साफ तौर पर कहना है बदलाव हुआ है, और बदलाव की ज़रूरत आने वाले समय में भी महसूस की जा रही है। कैमरा पर्सन योगेश और दीपक के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।